महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। संसद या विधानसभा में हम आप माननीयों को भेजते हैं हमसे आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन आजकल माननीयों को हमारी आपकी चिंता कम, देश की महिलाओं की सुंदरता और ब्यूटी कॉन्टेस्ट की चिंता ज्यादा है। तभी तो संसद से लेकर विधानसभा तक महिलाओं पर माननीयों के विवादित बोल सामने आते हैं और उस पर बवाल मचता है। हम इस पर आज करेंगे बड़ी बहस। महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। जी लगता है आजकल माननीयों को जनता के हित से जुड़े मुद्दों के बजाय महिलाओं की सुंदरता और उनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है। राज्यसभा में शरद यादव के दक्षिण भारतीय महिलाओं को लेकर दिए विवादित बोल पर अभी बवाल जारी ही था कि बिहार विधानसभा में RJD विधायक ने स्मृति ईरानी को लेकर एक और विवादित बोल दे दिए, जिस पर भी खूब बवाल हुआ। बवाल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पहले बोल सुनिए। पूरे देश में सांवले आदमी ज्यादा है, और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है। Yes, yes. वो नृत्य जानती है। The bill man. और देखो ये जो क्या नाम इनका, सरजी बिल बिल है? आखिर एक मैट्रिक पास इंटर पास आदमी को इतने बड़े 125 करोड़ देश की जनता है, यहाँ एक से एक शिक्षाविद है, महिला में भी बहुत सम्माननीय लोग हैं, किस आधार पे वैसे लोगों को आप मंत्री बनाते हैं? मैंने ये बात रखा था। और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। एक भी आपत्तिजनक बात मैंने सदन में नहीं कहा है। खेद क्यों जताया आपने? मैंने कोई खेद नहीं जताया है, और अभी भी मैं कहता हूँ सदन में मैंने जो भी शब्द कहा है, जो भी बातें कही है, एक एक बात सत्य है, एक एक बात हम चुनौती के साथ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ हम चुनौती से बात करने को तैयार हैं। और स्मृति ईरानी पर शाहीन की टिप्पणी के बाद सदन में खूब बवाल मचा, लेकिन इस बवाल में बाकी माननीयों ने भी मर्यादा को ताक पर रखकर सदन में कुर्सी मेज उछालने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। आपस में उलझे नेताओं की ये तस्वीर है बिहार विधानसभा की। BJP नेताओं का ऐसा तेवर कम ही दिखता है। दरअसल सदन में मंगलवार को पक्ष और विपक्ष आपस में उलझ पड़े, जब RJD नेता अख्तरुल शाहीन ने चर्चा के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद तो BJP विधायक वेल में पहुंच गए, और फिर जमकर कहा सुनी हुई, मेज और कुर्सियां भी पटकी गई। हंगामे के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो नेताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर शुरू हुआ खेद व्यक्त करने का सिलसिला। मैं शाहीन साहब ने, माननीय सदस्य शाहीन साहब ने, हमारे दल के हैं, अगर उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस शब्द से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दुख हुआ, उत्तेजना हुई, मैं विधायक दल के नेता के हैसियत से मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं अगर हमारे माननीय सदस्यों के भावना से, हमारे माननीय सदस्यों के व्यवहार से अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष को अगर कोई ठेस पहुंचा है या किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंचता है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। BJP विधायक और नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव ने भी सदन में अपने विधायकों के व्यवहार के लिए खेद जताया। लेकिन महोदय, ये जो उत्तेजना का वातावरण पैदा हुआ कहीं से भी मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं। संसदीय लोकतंत्र में हम सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिस हमारे पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों से अगर उत्तेजना में कुर्सी और टेबल उठा गया है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, और आगे ऐसी घटना न घटे
इसके लिए मैं सब विधायकों से आग्रह भी करता हूं। बयान पर भारी बवाल के बाद आखिरकार सदन में मौजूद सीनियर नेताओं ने बात संभाली और खेद जताकर ही सही विवाद खत्म किया। चंदन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही खेद जता दिया गया हो, लेकिन हैरानी इस बात की है कि हमारे माननीय महिलाओं के रंग और त्वचा के बारे में हद से ज्यादा कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगने के बजाय उस पर उल जुलूल बयान पर बहस कराने की मांग कर अड़ जाते हैं। शरद यादव और आरजेडी विधायक शाहिन, दोनों माननीयों का रवैया भी देख लीजिए बयान देने के बाद भी। मैं सच के साथ खड़ा हूं, आप ये बताइए कि रोज मेट्रोपोलियन नहीं पड़ रहे हैं, मेट्रोपोलियन क्या निकल रहा है? तो क्या सांवला रंग जो है वो सुंदरता का प्रतीक नहीं है क्या? या ना कृष्ण और राम सांवरे नहीं थे क्या? और ये गीत काय के लिए बना है? मेरा गोरा रंग ले ले, श्याम रंग दे दे। अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ, ये सवाल पूछने वाला मेरे जैसे आदमी से पूछ रहे हो? मैं कोई चीज भी बोलता हूँ बहुत गहराई से, अध्ययन के बाद बोलता हूँ। तो इसलिए जो लोग भी इस बात पर माफी मांगना चाहते वो बाकायदा बहस कर ले, बाहर कर ले, भीतर कर ले। एक मैट्रिक पास इंटर पास आदमी को इतने बड़े 125 करोड़ देश की जनता है, यहाँ एक से एक शिक्षाविद है, महिला में भी बहुत सम्माननीय लोग हैं, किस आधार पे वैसे लोगों को आप मंत्री बनाते हैं? मैंने ये बात रखा था। और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है, वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। एक भी आपत्तिजनक बात मैंने सदन में नहीं कहा है। मैंने कोई खेद नहीं जताया है और अभी भी मैं कहता हूँ सदन में मैंने जो भी शब्द कहा है, जो भी बातें कही है, एक एक बात सत्य है, एक एक बात पे हम चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ हम चुनौती से बात करने को तैयार हैं। तो ये हालात हैं हमारे माननीयों के। हमारे साथ भी इस वक्त स्टूडियो में कुछ माननीय मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन माननीयों के बयान पर आपकी क्या राय है। हमारे साथ हैं उषा विद्यार्थी जी, बीजेपी के विधायक हैं, इजहार अहमद साहब हैं जेडीयू की तरफ से, अब्दुल गफूर साहब हैं आरजेडी विधायक, सुहेली मेहता हैं एलजेपी के नेता। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके पास गफूर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमारे विधायक की तरफ से जो कुछ कहा गया खेद जाहिर करता हूँ। शाहिन साहब बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई खेद नहीं है। ये दो तरफा और क्या आप इस बयान के अभी भी साथ हैं? अगर साथ नहीं हैं तो अगर शाहिन साहब का सदन के बाहर भी ये रवैया है तो क्या कार्रवाई आप करेंगे इनके खिलाफ? देखिए, सिद्दीकी साहब दल के नेता हैं और विधानसभा में जितने सदस्य हैं सीनियर सदस्य सभी पार्टी में, उनमें भी वो सीनियर हैं। और जब हंगामा होता है तो गार्जियन का काम है कि हंगामे को शांत करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाएगा वो किया जाएगा। जहाँ तक शाहिन साहब की बातों का है कि वो जिन बातों को रख रहे थे, जो अभी वो कह रहे थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जो हम लोग सदन में देख रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिला है और आने वाले आगे चुनाव में भी साथ देने से भटक रहे हैं सर, मैं मुद्दे ही पा रहा हूँ, मुद्दा पूरी बात साहब बस मुझे तो शाहिन साहब अगर बाहर में भी आकर वही बात दोहराते हैं, बाहर में भी वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो फिर आप खेद क्यों जाहिर करते हैं? फिर खेद हंगामे पर खेद जताया और खेद तो जो बीजेपी के हंगामे पर आपने खेद जताया, उन्होंने भी खेद जताया, हंगामे पर आपने खेद जताया, शाहिन साहब के बयान पर आपने खेद नहीं जताया। और शाहिन साहब की कोई ऐसी बात चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कोई दुख पहुंचा कि स्मृति ईरानी का नाम लेना भी उनको दुख हुआ, तो उसके लिए खेद व्यक्त किया गया। नाम लिया गया क्या? आप भी थे शायद, आप बताइए, नाम लिया गया क्या? या सिर्फ नाम लेने पर कोई इतना बवाल हो सकता यही है? यही ना मैं कह रहा था जो आप रोक रहे थे, नाम लेने पर बवाल। छोटी छोटी बातों पर अभी जो 4-5 दिनों से विधानसभा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने की बात, गफूर साहब होते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने की, आप कोई मंत्री है ठीक है, पुराना इतिहास कुछ भी रहा, आप उनकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने की बात उठाते हैं सदन में, मैट्रिक पास, ये तमाम चीजें हैं। क्या ये सिर्फ नाम लिया गया स्मृति ईरानी का, अभी भी आप मानते हैं कि नाम लिया गया और बवाल मच गया? ब्यूटी जैसा कि अभी शाहिन साहब कह रहे थे, जो आपके
चैनल से वो बोल रहे थे, जो उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया, कि वो उनके बारे में ये, चूँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, उसका जवाब दिया गया कि आपके अंदर भी कमी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा चुकी है, क्या हुआ? उसकी क्वालिफिकेशन वही है। क्या हुआ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना कोई अपराध है क्या? अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर कोई महिला जाती है और वो आगे मंत्री बन जाती है तो क्या ये संविधान नहीं कहता है? एक अब तक जो भारत के सिद्दीकी साहब अगर खेद जताते हैं तो आपको आपको भी खेद होना चाहिए। आप यहाँ शाहीन साहब का पक्ष क्यों ले रहे हैं फिर? मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो शिक्षा मंत्री जो आज देश का है, आज तक जितने शिक्षा मंत्री बने हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी जैसे विद्वान शिक्षाविद शिक्षा मंत्री थे, और भी जो जो शिक्षा मंत्री बने आजादी के बाद। खेद नहीं जताते, या तो आप खेद जता रहे हैं या तो फिर आप बयान, हम हंगामे को शांत करने के लिए ऐसे ही खेद जता दिया। ऐसे नहीं, ऐसा परंपरा है, परंपरा के मुताबिक अगर खेद आप जता भी रहे हैं तो आप दिल से सदन में रिकॉर्ड में जाता है कि आप खेद जता रहे हैं इस बयान के साथ, यानी आप नहीं है इस बयान, अपने विधायक के बयान के साथ नहीं है, इसका मतलब यही होता है जहां तक मेरी जानकारी है। अब यहां पर सदन के अंदर, सदन के अंदर अगर हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अगर उनको लगा कि हमारे जो केंद्र में मंत्री है उसको ब्यूटीशियन या उसमें भाग लेने की बात नहीं कहनी चाहिए। आप भी मानते हैं नहीं कहनी चाहिए? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है जो जिस पर उत्तेजना होता। खेद क्यों जाहिर किया सर? खेद शांति व्यवस्था कायम रखने की। उषा जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, आपको शांत करने के लिए खेद जाहिर किया गया? देखिए, कोई जवाब नहीं, जब गलती होती है ठीक है, सिद्दीकी साहब सबसे सीनियर मोस्ट हैं, उन्होंने शांत कराया, लेकिन इस तरह की बात सदन के अंदर जो हो रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी, आपने ठीक ही कहा कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना क्या कोई गलत बात है, और किस प्रकार के करें कि पहले मुरली मनोहर जोशी जी भारत सरकार के मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री, और बिहार में क्या जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, जिनको ठीक से राबड़ी लिख भी नहीं सकती थी, बाद में लोगों ने प्रैक्टिस कराया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके योग्यता पर सवाल उठाया? क्या उनके महिला होने पर हम लोगों ने कोई अपशब्द की बात की? बताइए, हमने नहीं की। और आप सदन के अंदर, वो 2003 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और 2014 आ रहा है उसमें महिला, राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही, और पूरे देश में घूमी भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनाव लड़ी, और एक मिनट, चुनाव लड़ी और इनके खिलाफ में चुनाव लड़ी और अच्छे मत आए, ठीक है, चुनाव हार गई, और ये योग्यता पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सबसे दुख का बात यह होता है जी कि ये सब लोग महिला विरोधी हैं, और महिलाओं को कभी भी अच्छे पद पर रहने में इनको बहुत पीड़ा होती है और अपने दिन भूल जाते आप हैं। आप अपनी बात में ही फंस रही हैं। अगर महिला विरोधी होते तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते ये लोग। कौन मुख्यमंत्री? तो राबड़ी देवी को इसलिए बताया कि बिकट परिस्थिति में जेल से भी शासन हम ही करें। आप देखे ना, नीतीश तो जी महिला को बनाया ना, नीतीश जी कैसे मांझी जी को बना के फंसे। लेकिन गफूर साहब, इसका जवाब क्या है? आप मैट्रिक पास इन्हें कह रहे हैं। अब देखिए, इनके पास सवाल है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास सवाल है, इनके पास जवाब नहीं है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या महिलाओं को लेकर, मैं लबुलवाल, महिलाओं को लेकर क्या माननीयों की जुबान से ऐसी ऐसी भाषा सदन में शोभित करती है क्या? महिला के लिए नहीं था, उस महिला के लिए था जो पद पर बैठी हुई है, सारे महिलाओं के लिए नहीं था। जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके उन पर कमेंट लोग करते हैं। अब संजोग से स्मृति ईरानी महिला हैं और वो बात जो कही गई तो लोगों को बुरा लगता है। क्या स्मृति ईरानी हो या और ब्यूटीशियन कहने का क्या तुक है? मुझे एक तर्क बता दीजिए, एक तर्क बता दीजिए। ठीक है, आपका विरोध है, आपके विरोधी पार्टी के नेता हैं, वो मंत्री हैं, इसका तो पीछे ब्यूटीशियन कहना कोई ऐप थोड़े है। आप कह भी रहे हैं सदन में कि हाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? और उस पर अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आपके नेता, आपके विधायक दल के नेता खेद जता रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्यों शाहीन साहब का पक्ष ले रहे हैं? या फिर आपका निजी विचार है? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा निजी विचार है, जो अच्छा, आप निजी विचार कर रहा हूँ।
तो ये अब आरजेडी के अंदर सिद्दीकी साहब जो विधायक दल के नेता हैं वो कुछ और खेद जताते रहे, लेकिन आरजेडी के विधायक बार बार इस तरह के बयान देते रहेंगे और उस पर कायम रहेंगे, यही बात। लेकिन जेडीयू का क्या तर्क है, जेडीयू का क्या रुख है इस बयान के साथ इजहार साहब, हालांकि शरद यादव के बयान पर मैं आऊँगा। देखिए सुमित जी, ये आपने बुलाया है बहुत खुशी की बात है, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप विजुअल में बार बार माननीय सदस्य शाहीन जी की बात को दिखा रहे हैं, उषा जी से भी बात को लगातार, और माननीय विधायिका हैं, प्रोफेसर भी हैं हमारे साथ, अच्छे रिश्ते हैं, गफूर साहब बहुत सीनियर हमारे, इनकी बातों को बहुत तफसील से आप देख रहे हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि ठीक है, हमारा ज़रा सा सर से दुपट्टा अगर सर से नीचे आया तो क्या हम और कहें कि तुम उसको गर्दन से उतार करके नीचे कर दो। ये हमें आपकी भी बहस का मुद्दा है, ये दूरदर्शन या टीवी या प्रेस या अखबार का मुद्दा है, ठीक है, किसी चीज़ को सुधारक है, हमारा काम है आप सुधारिए, तो फिर यहाँ भी तो आप उसी का पक्ष ले रहे हैं, वही आपके गफूर साहब सुधारक की बात है। देखिए गफूर साहब या उषा जी का सवाल नहीं, सवाल है सिद्धांत की बात। मैं तो कहा कि सर से अगर दुपट्टा हट जाए तो कहें उसको गर्दन पर उतार के नीचे फेंक दो, ठीक है। अगर मान लिया कि सदन में जो हुई ये सदन की बात थी, सदन में अपना एक परंपरा था, अगर मान लिया कि ठीक है उनको ख़राब लगा या अच्छा लगा, वहाँ अगर विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने भी अपनी बातों को रखा, अपनी बातों को विपक्ष के नेता हमारे माननीय नंद किशोर यादव जी ने भी रखा, इन बातों को सारे चीज़ रखी, अब अपने अपने बात कहने के बाद उसका फिर बचता क्या है, बचता कोई बहस का मुद्दा तो एक चीज़ नहीं है, हमें देश के हित में मुद्दा वो होता, देश हित का मुद्दा होता, आप लोग समाज हित का होता, जनहित का मुद्दा कहते हैं, अब जनहित का होता, जनहित तब फिर एक बार वही कह रहा हूँ, अब रही बात स्मृति हमसे गफूर साहब के रिश्ते अच्छे हैं, हम अच्छा मानते हैं, उषा विद्यार्थी जी का रिश्ता बैठे हुए हमसे रिश्ते उनके सवाल सुनने और क्या है उसके पीछे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है, मुझे बता दीजिए उनके आगे जा रहे हैं, मिस इंडिया है, वर्ल्ड इंडिया है, उसे मतलब हम एक चीज जानते हैं, सदन की मर्यादा थी, सदन में अगर लगा किसी को किसी सदन के बाहर भी तो आप उसी बयान पर कायम है, अब सदन के उन्होंने बाहर भी तो आप कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर कायम है, वो अपने बयान पर अपना वो कायम है, लेकिन सदन में जो बात हुई सदन के मुद्दे पर लेकर के हम है, बाहर में क्या, हम सदन की बात कर रहे हैं, चौक कहां क्या हो रहा है। शरद यादव कहते हैं कि सुंदरता पर बहस करा लीजिए, जनहित से जुड़ा मुद्दा सुंदरता है, चुनौती के साथ कह रहे हैं जनहित से जुड़ा मुद्दा सुंदरता है, शरद यादव जी जो है सुंदरता गरीबों से जुड़ा मुद्दा सुंदरता है, अच्छा अच्छे चीज को क्या कहें, अच्छे चीज को क्या कहें, महिलाओं की काबिलियत, अच्छे चीज काबिलियत, ताजमहल को ताजमहल नहीं कहें, लाल किला को लाल किला नहीं कहें, आपको सुमित जी काला कहें, तो महिलाओं में सुंदरता नजर आती है, काबिलियत नहीं, आपको वेस्ट इंडीज का कहें, काबिलियत नजर नहीं आती है, देखिए काबिलियत और सलाहियत साथ, देखिए एक चीज है, एक चीज है, हम आप ही पर कहते हैं कोई महिला पर जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है, और जवानी का जमाना भी बड़ा शैतान होता है सर, तो कोई सदन ये महफिल का कोई महफिल की कोई जगह नहीं होती है सदन, सर सदन गंभीर विषयों के लिए होता है और वहाँ पर जनहित से जुड़े मुद्दों को उछालने के लिए, आप आइए महफिल में, शेर उछाली कीजिए, स्वागत है सर, हम भी दो चार शेर फेंकेंगे, सदन में भी जो है बिल्कुल संसदीय भाषा में बातें होती है, मैं आऊंगा सुन लीजिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास, महिलाओं के जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी, और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। माननीयों की गंदी बात ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा बयान लगातार सुन भी रहे हैं, शरद यादव और मोहम्मद अख्तरुल साहिन साहब के बयान, और दरअसल इन बयानों के ज़रिए क्या माना जाए, माननीयों की सोच है या फिर ज़ुबान फिसल जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है जब माननीयों की ज़ुबान फिसली हो, हम फहरिस्त भी दिखाते हैं आपको, ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, कुछ नमूना भी देख सकते हैं, कुछ मिसाल भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शरद यादव का जो बयान है फिलहाल दक्षिण भारत की महिलाओं का को लेकर, वो आप
जिस पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर चर्चा है। एक और बयान उनका था कि महिला आरक्षण बिल पास करवाकर आप प्रकृति महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं, ये है। तीसरा एक और बयान, शरद यादव पहले कई बार दे चुके हैं ऐसे बयान, हम में से कौन है जिसने लड़कियों का पीछा नहीं किया है। अब इस तरह के बयान शरद यादव दे चुके हैं, पहली बात नई बात नहीं है। और भी है, संजय निरुपम साहब कल तक टेलीविजन पर ठुमके लगा रही थी, अब नेता बन गई हैं। स्मृति ईरानी को लेकर ही इन्होंने कहा था एक टीवी बहस में, संजय निरुपम साहब का बयान, कांग्रेस की नेता हैं, मैं राजनीति का पुराना जौहरी हूं और मीनाक्षी जी का काम देखकर मैं ये कह सकता हूं कि वो आगे आप देख सकते हैं, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, वो बात दिग्विजय सिंह साहब ने कहा है। डेंटेड पेंटेड महिलाएं सड़कों पर विरोध कर रही हैं, दिन में विरोध करेंगी रात में डिस्को जाएंगी, अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस सांसद, लिस्ट लंबी है गिनते रहिए। अगला मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी की तरफ से जो अभी बहुत विरोध किया जा रहा है उनके नेता हैं, ये महिलाएं लिपस्टिक पाउडर लगाकर क्या विरोध करेंगी, ये कह चुके हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। महिला आरक्षण विधेयक पास होने से ऐसी महिलाएं सदन में आएंगी जिन्हें देखकर लोग सीटियां मारेंगे, मुलायम सिंह यादव समाजवादी, शरद यादव समाजवादी लेकिन समाजवादी की सोच, लड़कियों को इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए कि देर रात को अकेले घर से बाहर निकले, शीला दीक्षित एक महिला होने के नाते। बहुत फेहरिस्त लंबी है लेकिन सवाल है कि राजनीति में हम माननीयों को, हम विधायकों को, सांसदों को इस उम्मीद के साथ सदन में भेजते हैं जहां जनहित से जुड़े मुद्दे वो उठाएंगे लेकिन वहां पर महिलाओं की सुंदरता और ब्यूटिशियन की चर्चा उन्हें ज्यादा खाए लगती है। सुहेली जी ऐसी सोच क्यों है, या फिर सोच है या फिर जुबान फिसल जाती है? देखिए जुबान नहीं फिसलती है, आज आज हम बता रहे हैं, मैंने भी देखा है इस सदन में जो ये कार्रवाई चल रही थी, 14 मिनट के अपने स्पीच में शरद यादव ने जिस बिल पर चर्चा करनी थी 30 सेकंड मात्र उस बिल पर चर्चा किए, उसके अलावे उन्होंने इधर उधर की बातें कहीं और 3 से 4 मिनट ये महिला पर इनकी चर्चा हुई, खूबसूरत महिला की जो परिभाषा ये दे रहे थे उस पर। इनकी जुबान नहीं फिसलती है, जुबान अगर फिसलती तो एक बार फिसलती, इनकी लगातार जुबान फिसलती है और इन्हीं नेताओं के वजह से आज महिलाएं जो हैं राजनीति में आने से डरती है और ये इनका उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को सदन में मत लाओ जो बोल सके। आज क्यों स्मृति ईरानी पर इस तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए कि आज उन्होंने ये चर्चा की तो स्मृति ईरानी तुरंत बोल के इनको अपोज की, इसलिए ये चिंता इनको सता रही है कि इस तरह की महिलाएं अगर सदन में आ गई तो जिस तरह की चर्चा ये की है कि प्रकटी महिलाओं को जगह मिल जाएगा, कहीं वैसी महिलाएं हमारा न पड़ काट दें इस सदन में आके, बस यही कारण है कि ये इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरा कि बिहार विधानसभा में जो आज जिस तरह की शर्मनाक बातें इन्होंने कही है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई, क्या गलत बात हो गई, और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि कौन सा इलेक्शन जीत के आई, माननीय राबड़ी देवी हमारी अभिभावक के तरह हैं, हम लोगों ने कभी भी मजाक नहीं उड़ाया, पूरे बिहार की महिला ने किसी ने मजाक नहीं उड़ाया उनका, आज ये इस तरह की बातें क्यों, वो कितना इलेक्शन जीत के आई थी जो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया, आज कौन सा इलेक्शन लड़ी हुई है जो राज्यसभा में, शरद यादव कौन सा इलेक्शन जीत के गए हैं जो आज राज्यसभा में, तमाम जो नेता हैं शरद यादव, मुलायम यादव, लालू यादव, ये लोग महिला विरोधी हैं। मुख्तार अब्बास साहब का ही बयान ले लीजिए, मैंने गिनाया है नहीं, लेकिन इनका मैं बता रही हूँ ना, आप ये महिला विरोधी हैं और अब तो संसद के अंदर शर्म आती है हम महिलाओं को, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को शर्म से सर झुक जा रहा है कि एक सांसद जो वहाँ सदन के अंदर, वहाँ देश विदेश और सारे मुद्दों पर चर्चा करनी थी, ठीक है सुहेली कहे कि वो कितने मिनट एफडीआई पर चर्चा करना था और वो चर्चा महिलाओं पर चले जाते हैं और हर समय दिमाग में यह बात बनी रहती है कि महिलाएं खराब होती हैं, महिलाएं अच्छी नहीं हो सकती। और आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, आपने दिखाया भी कि जिस महिला आरक्षण की बात चली थी ये सब लोग मिल करके महिला बिल को फाड़ कर फेंक दिया था सदन के अंदर, और ये है जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इजहार साहब, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कुछ भी बोलेंगे तो आप साथ देंगे, एक महिला दिवस पर नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, नहीं सुमित झा जी, और आप कहते हैं कि मैंने आरक्षण नहीं, सुन लीजिए, आरक्षण हमने दिया 50%, आपने 50% आरक्षण दिया और उन महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया, उसकी सुंदरता पर चर्चा करने के लिए अधिकार आपको किसने दिया, महिलाएं कैसी हैं इस पर चर्चा करने का अधिकार आपको किसने दिया? मैं सुनूंगा तसल्ली से, बस मुझे एक तर्क बता दीजिए शरद यादव के बयान का समर्थन करने के लिए। सुमित जी दो बात है, अभी मैडम उषा जी ने कह रही थी,
देखिए एक चीज़ है कि खुद अपने आप लोग जो है अपने अपने गड्ढे से अपने अपने करनी से गड्ढा करते करते खुद गिरते हैं। सदन की बात करते हैं, सदन के बाहर की बात करते हैं, जब सरकार में मनमोहन सिंह थे उनको भी इसी तरह से लोग जिस तरह हुले हुले करते थे, मैट्रिक पास हैं, छठा पास है, आठवां पास हैं, या भाजपा के लोग तो दिखाते थे। जहाँ तक इन्होंने इनका कहना है कि जो शरद यादव जी की बात है, शरद जी की बात और मैं और उषा विद्यार्थी जी और गफूर साहब के बस के लोग नहीं कि उनकी बातों पर हम ज़्यादा, हाँ इतना ज़रूर कहते हैं कि वो चुनौती के साथ देश में सदन में भी बोल रहे हैं, सदन में भी बोल रहे हैं, सदन को हक है चेयरमैन को, स्पीकर को, सदन के सदस्यों को कि हर तरह की बात करने का, मदद करवाने का, नहीं करवाने का, हर चीज़ को हर शक्ति है। लेकिन ये सदन की बात थी, वो तो चुनौती के साथ कह रहे हैं कि गाने को बता रहे हैं कि वो गाना है तो फिर उसको खत्म कर देना चाहिए था, या तो उसको खत्म कर देना चाहिए था, इस तरह की बात है। सहार साहब मुझे बता दीजिए कि आपको जब वोट दिया गया था जनता ने तो क्या कहा था, सदन में सुंदरता पर बहस करवाइएगा देखिए या हमारी बिजली पानी सड़क पर बहस करवाइएगा। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, यही बात आपको मैं कहने वाला था कि जब आज बिजली पर था तो बिजली कटौती प्रस्ताव था, बिजली पर मामला आया था, आपको पहले बिजली पर बात करना था। आपको महिलाओं की सुंदरता पर, आपको महिला के सुंदरता पर, आपकी माननीय स्मृति ईरानी, माननीय गांधी स्मृति ईरानी के बारे में, फिर उसके महिलाओं सिंह के बारे में, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है कि महिलाओं को लेकर आप अपमान के बारे में प्राक्षा उड़ा रहे हैं, तो मजबूरी है मेरी सर, मजबूरी है। आप माननीयों की जुबान से निकलते रहे महिलाओं को लेकर इस तरह के शब्द और मीडिया क्या चुप रहे इस पर, क्यों नहीं महिलाओं तस्वीर क्या है, क्यों हो रहा है, जनता के सामने नहीं रखते। देखिए एक देखिए जब पहले बिजली पानी पर बहस करवाइए सदन के अंदर, जब बातें हो गई सुनी जी, जब बातें हो गई सदन के अंदर वहीं, और राज्यसभा सदन के बाहर आपने जब शरद जी की बातें हैं, सीनियर है, आप बाहर आकर भी, आप बाहर आकर वो तो बार बार कह रहे हैं सदन के अंदर भी सदन के बारे में बहस होनी चाहिए थी, सदन में मजबूत बहस होनी चाहिए। आप मुझे एक तर्क दे दीजिए शाहीन साहब के बयान का बचाव करने के लिए, जो बचाव आप कर रहे हैं, हालांकि आपके नेता कह रहे हैं कि खेत जता रहे हैं, ये योग्यता खोज रहे हैं, बीमा भारती में कौन सी योग्यता और, है जो आपने उन्हें मंत्री क्या अनुसूचित जाति पर रिसर्च किया, और साथ ही शरद यादव आपके सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बयान को लेकर भी तर्क, चार बार से मैडम एमएलए हैं, वो बहुत जानकारी है, अभी अभी आपके उम्मीदवार जो वहां था, जो भाजपा का उम्मीदवार था, उसका जमानत वहां जब्त हो गया, उसके उसकी कंसल्टेंसी में 30,000 से बीमा भारती वहां से बढ़ा रहा है मेरा, शरद यादव जो बात कहे हैं वो महिला की बुराई की नीयत से नहीं, बल्कि उनका ये कहना जो हम लोग बराबर सुन रहे हैं कल से, कि साउथ की महिला का रंग सौला होता है लेकिन उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन खूबसूरत होता है। क्या अच्छी बात है, हमेशा लोग गोरे लोग को पसंद करते हैं, गोरी लड़कियों को करते हैं, सदन में गोरे गोरे काले पर बहस करने के लिए आपको नहीं भेजा गया है, सांवली लड़की को सदन में आपको गोरे काले पर बहस करने के लिए भेजा गया है, बॉडी उन्होंने कुछ देखने के लिए नहीं भेजा गया। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी। इस बहस को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जिन माननीयों को चिंता है महिलाओं की सुंदरता के बारे में, जिन माननीयों को महिलाओं के वीडियो कॉन्टेस्ट में जाने को लेकर चिंता है, हम उन माननीयों के लिए कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहेंगे। वही महिलाएं बिहार में कितनी असुरक्षित हैं ज़रा ये भी देखिए। 2013 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 10,898 मामले दर्ज हुए, 2012 से तुलना करें तो मामले में बढ़ोतरी हुई,
2012 में महिलाओं के खिलाफ 9,795 मामले दर्ज हुए और 2011 में 8,141। यानी महिलाओं की स्थिति किस तरह बिगड़ी ये आंकड़े बताते हैं। 2013 में अपहरण के कुल 4,102 मामले सामने आए जो 2012 के 3,789 से ज्यादा थे। कुपोषण के मामले में भी महिलाओं की हालत चिंताजनक है, पर बिहार में जिस दल की सरकार है वो महिलाओं के प्रति कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं के सुंदरता पर बहस कराने की चुनौती देते हैं। और माननीय नीतीश कुमार हों या फिर बाकी नेता, छोड़ी दीजिए, इजहार साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, कहते हैं कि हमारी हैसियत नहीं कि शरद यादव को लेकर हम कुछ बोलें। इजहार साहब, कुछ तो सोच का दायरा रखिए राजनीति में। आपके अध्यक्ष हैं, आपकी सियासी मजबूरी है, लेकिन महिलाओं की हालत एक तरफ कैसी है आपने देखा, अपराध उनके खिलाफ। सुमित जी, एक चीज है कि हैसियत का सवाल नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्ग आदमी हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। लेकिन आपकी के दूरदर्शन पे और सदन में भी जो बात बोले, सदन में भी बार बार उसी बात को रिपीट करते रहे और बार बार उसी बात को दोहराते रहे कि भाई मुद्दे, उन्होंने तस्करा भी किया, उन्होंने मिसाल भी दिया कई गानों का, उन्होंने कई और भी मिसाल धार्मिक। मेरा सवाल वही है सर, मैंने आंकड़े भी दिखा दिए, अब भी तो सवाल ऐसा है, मेरा सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ उनका, देखिए, हत्या, रेप, अपहरण की चिंता नहीं है उनका जो कहना था, बिल्कुल सुंदरता की चिंता है। देखिए, एक चीज उन्होंने जो उनका कहना था, बिल्कुल उन्होंने प्रशंसा बहुत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, खूबसूरत ढंग से कहा। उसका मतलब आप आज समाज के बीच में जाइए तो सिर्फ हमेशा गोरी लड़कियों को पसंद करते हैं, सांवली को। मुझे इजहार साहब, मैं रुकूंगा एक सेकंड, एक लाइन में देखिए, मैं एक सेकंड रुकूंगा। लब्बो लबाब, एक ही चीज बात चल रही थी कि चर्चा किस बात उनके की चल कहने रही थी, एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, एफडीआई के मुद्दे पर गोली सामली और महिलाओं की बॉडी की बात कहां से आ जाती है। जार साहब, जरा मुझे एक तर्क दे दीजिए। देखिए, बॉडी या पर्सनालिटी का सवाल जहां पर है, अब आप सुमित जी सामने एफडीआई के मुद्दे पर, सर मैं आपसे एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं और आप कहेंगे कि महिलाओं की सुंदरता। देखिए, उनके कहने का मतलब सिर्फ एक ही कि सामने सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। उनके कहने का लब्बो लबाब यही एक जुमला था बस। लेकिन क्या जरूरत थी, एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इजहार साहब, एक तर्क दीजिए ना मुझे, महिलाओं की बात करने की। आप सांवली गोरी और शेरो शायरी कीजिए, आप आइए महफिल में बैठिए, महफिल जमाइए, शेरो शायरी कीजिए, एक जगह होती है सदन में आपको गंभीरता से विषयों पर बहस करने की। महिलाओं के आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी तो सवाल करना चाहिए था कि आपके औरतें कहाँ है, किस जगह है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आज तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी तो पूछना चाहिए था, देश के आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके कहाँ है, किधर है, कुछ पूछ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या रहे हैं साहब। अब इनको पीएम मोदी जी की पत्नी की चिंता फिर से सताने लगी। अरे बाप, हसुआ का बिया फिर खुरपी का गीत गा रहे हैं यहाँ सारे महिला समाज। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि एफडीआई के मुद्दे पर महिलाओं की सुंदरता का क्या सुख है, मुझे एक तर्क दे दीजिए। एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक सेकंड उषा जी मैं आता हूँ, एफडीआई के मुद्दे पर अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे तो उसमें महिलाओं की सुंदरता पूरी चर्चा में मुझे एक तर्क दे दीजिए कि मैं कहीं लॉजिक देख सकूं। देखिए सुमित जी, एक चीज बताइए, आपको तो पहले ही मैंने अर्ज किया कि आपको तो चिंता ये नहीं था, आपको तो था कि भाई दवा नहीं कराओ वो पूरा सर्जरी कर दो। मैंने कहा सर के आंचल से जरा सा गिर जाता है तो चाहते हैं नीचे करें। पहले ही मुद्दा जो है आपने जान के चाहा कि उसको और सर्जरी या पोस्टमार्टम दोनों कर दिया जाए। सदन की बात सदन में हो गई, बहस की बात नहीं थी, आपको अलग कोई मुद्दा बना। आपके अध्यक्ष महोदय माफी मांग लीजिए। गफूर साहब, ऐसी सोच के साथ अगर आप पूरे भाषण को जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, अगर आप उसको अपने टीवी पर सुनाते हैं तब हम बता सकते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। शरद जी पुराने 37 साल का उनका एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी सर, मैं बता हम लोग नतीजे पर पहुंचे गए। शरद जी के बातों से खास करके जो भाजपा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर चिंता नहीं है आपसे, महिलाओं के खिलाफ अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं उस पर आपको चिंता नहीं है। एक साथ बैठक इजहार साहब, एक सेकंड सर, महिलाओं के खिलाफ आपके बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं आपको चिंता नहीं है, सुंदरता की चिंता है आपको, आपको सुंदरता की चिंता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उनकी बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपहरण की घटनाएं
महिलाएं बढ़ रही हैं, आपको उनकी चिंता नहीं है। जी जितना बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा से, तालीम से, रिजर्वेशन से, महिलाओं आरक्षण से जितना सम्मान माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, मेरी पार्टी ने किया, भारत में किसी ने सम्मान नहीं दिया। चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हमारी है महिलाएं, आपका आपके खिलाफ सबसे ज्यादा पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर जिला परिषद से लेकर के आज आप जाकर देखें कि जिला परिषद के बाद आज 40 में कम से कम 40 में 15 जिला परिषद की चेयरमैन महिला है, वो देन है नीतीश कुमार जी की। स्कूल में 50% ये है स्थिति, ये हालात। योगिता खोज रहे हैं, राबड़ी देवी क्या पॉलिटिकल साइंस में डिलीट की हुई थी? योगिता खोज रहे हैं, स्मृति ईरानी में मानव संसाधन या मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई हैं और किसी महिला समाज के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग करने के लिए इनको राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए, इनको उससे आउट होना चाहिए। इतने बड़े पद पर रखने का कोई औचित्य नहीं है कि हमारी संस्कृति सभ्यता के विपरीत सब जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा नहीं करके सदन की गरिमा को इन्होंने धूल किया है। आज इनके बयान से बिहार की महिला, इनके बयान से आप सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए, हर एक लड़का सर झुक जा रहा है। स्मृति ईरानी के बारे में चर्चा करता है, हिम्मत देखिए, मानव संसाधन मंत्री के बारे में चर्चा कर रहा है साहब, और कपूर साहब के बाद शर्मा उस बयान को लेकर आपके पास ठोस तर्क नहीं है। बिल्कुल तर्क है, और सही मुझे एक तर्क ठोस तर्क दीजिए, अभी तक आपने नहीं दिया। जो शरद जी ने बोला वो भी आप साथ हैं, जो सदन जो सदन में जो सदन में कहा उन्होंने दिखाने के बिहार के लड़के बोल रहे हैं, इसी तरह रोड चलने लड़के बोलेंगे, आपकी बहन बेटी को बोलेंगे, हमारी बहन बेटी को बोलेंगे, यही होगा। महिलाओं को गलत रूप से देखते हैं और इसीलिए अंदर से गलत बातें। मुझे बस एक तर्क, मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, एफडीआई की चर्चा में महिलाओं की सुंदरता का मुद्दा कैसे आ जाता है? महिलाओं की सुंदरता और एफडीआई ये एक दूसरे के पूरक हैं क्या? मुझे जानकारी दे दीजिए। ऐसा है कि सुमित जी, आप तो एंकर हैं जी टीवी के, वहाँ बैठे हुए हैं स्पीकर, चेयरमैन, उनकी ड्यूटी थी ये सवाल पूछना और उनसे पूछना चाहिए था कि सवाल और उसे क्यों नहीं विडंबना है वहां पर फिर लाट होती है। हम बिजली के ऑफिस में इलाज कराने जाएंगे तो ये जिम्मेवारी हमारी है कि आपकी है तो आप कौन करेगा? ये वहाँ सदन के स्पीकर थे, चेयरमैन थे, सारे उनकी जिम्मेवारी थी, आपकी और हमारी जिम्मेवारी नहीं थी वहाँ सदन में थे। और उन्होंने जो जिस तर्क में कहा, जिस अंदाज में कहा, जिस मूड में कहा, किन हालात में कहा, ठंडा में अपराध पर चिंता ज्यादा कीजिए बजाय इसके कि महिलाओं की सुंदरता और उनकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। आप देख रहे थे बड़ी बहस। उसकी महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका उसका बॉडी पूरा देखने में, और ब्यूटी कंटेस्ट में वो भाग ली थी, मिस इंडिया में भाग ली 1998 में, वो भाजवानी करके एक है, वो जीती थी, ये सेकंड कंटेस्टेंट हुई थी।